अपने घरों में कैद हुए चालू कला के लोग, प्रशासन नहीं चाहता गांव में आना। लोग तरसने लगे हैं फल सब्जी को। 7 दिन बाद चालू कला से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए चिड़ावा शिवनगरी के साथ। गांव में बना है उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन 3 साल से है बंद। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या वाकई में ग्रामीण परेशान है? गांव चाड़ू कला में 95 केसेस एक साथ पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 3 पॉजिटिव केस एक और आए हैं और 1 पॉजिटिव केस कल और आया है। लेकिन अभी तक जिस दिन पहली बार हमारे यहाँ पॉजिटिव केस निकले थे 15 तारीख को, उस दिन यहाँ पे प्रशासन की कम से कम 15-20 गाड़ियाँ एक साथ आई थी, जिसमें कलेक्टर साहब भी थे, SDM भी थे, तहसीलदार भी थे, पुलिस प्रशासन भी था, उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट भी था। और जिस दिन 15 तारीख को हमारे यहाँ पॉजिटिव केस निकले, उस दिन नर्स जो है वो सबको मेडिसिन दे के गई थी, 5 दिन की दवा दे के गई थी। उसके बाद से हमारे गांव के अंदर अभी तक मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉई नहीं आया है। सब लोग 5 दिन की दवाई ले चुके हैं। न तो यहाँ पे कोई जांच करने की, दोबारा से जांच करने की कोई प्रोसेस है, न मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई बंदा आ रहा है। अगर हम अपनी नर्स जो गांव के अंदर जिसकी ड्यूटी है उससे हम संपर्क कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि आप अपने हिसाब से अपनी जांच करवाओ। तो एक साथ 100 लोग कैसे जांच करवा सकते हैं? आज के दिन यहाँ कन्विंस की प्रॉब्लम है, बसें बंद हैं, तो लोग कैसे, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि एक साथ 100 लोग जाके सूरजगढ़ या चिड़ाव के अंदर हम लोग जाँच करवा पाए। तो गवर्नमेंट सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों की दोबारा से और सैंपल लेके और हमारी रिपोर्ट करवाई जाए। धन्यवाद। ये बताइए कि जैसे ये 95 पॉजिटिव आने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि हमारे जो दूध और सब्जी की जो प्रॉब्लम आई है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। क्योंकि खाने के लिए तो हमारे पास में जैसे अनाज वगैरह की तो सब हमारे घर में जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो सब लोगों के पास में रहता है, लेकिन जैसे किसी के घर के अंदर गाय भैंसे नहीं है तो उसको दूध मोल लाना पड़ता है, तो दूध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। सब्जी के लिए हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप पॉजिटिव केस हो, आप वापस घुस जाओ। दूध अगर कहीं लाने जाते हैं तो वो वापस हमें घुसा देते हैं। पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं गांव के चारों तरफ, हमारे मोहल्ले के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, 4-5 सिपाही रोज आते हैं यहाँ पे और ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए खाने पीने की, मतलब जैसे कि सब्जी और दूध की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। हमने पुलिस प्रशासन को बता दिया कि हमें खाने पीने में दूध और सब्जी की प्रॉब्लम आ रही है, हमने मीडिया को बता दिया, लेकिन अभी तक कोई किसी तरीके की हेल्प नहीं हुई है। आपको कोरोना पॉजिटिव बता रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या कारण रहा कि अचानक से प्रशासन ने इतनी जांच की है गांव में? गांव में तो प्रशासन, कोई बीमारी तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी क्या प्रशासन ने 188 पर कॉल किया बार बार गांव के लोगों ने और शिकायत की है कि यहां से कोरोना से मौत हुई है, लेकिन कोई कोरोना से नहीं है। अच्छा, तो जो जांच हुई थी, प्रशासन ने जांच की थी, उस समय कितने कोरोना पॉजिटिव यहां से मिले थे? 95। अच्छा, आप अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है, हमारे कुछ भी नहीं है, मतलब दवाई पानी भी नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर दर्द बुखार कुछ भी नहीं है। ऐसे भी सुनने में आया कि ना शादी हुई थी यहाँ, शादी नहीं, नहीं नहीं, शादी का कोई बात नहीं, शादी से कोई, शादियाँ तो हुई थी, शादी तो हुई है गांव में, 3-4 हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं शादी में, तो क्या बीमारी, वैसे तो 25% ही हुआ है उसे, उस साइड में बाकी बचा हुआ है वो करवा रहे नहीं है। अच्छा, जो स्टार्टिंग में बीमारी इस साइड में ही आई थी। अच्छा, जो जांच होने से पहले जिनकी मृत्यु हुई थी वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं? नहीं नहीं, नेगेटिव। अच्छा, वो उनके देहांत होने के बाद ये रिपोर्ट करवाई? मौत कैसे हुई? रिपोर्ट में कुछ आया नेगेटिव आया? अच्छा, उनकी जैसे रिपोर्ट करवाई? हाँ, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो गांव में अभी भी जैसे कि भय का सा माहौल बना हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जैसे कि सुनने में ये भी आ रहा है कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खाने पीने की पाबंद तो कर ही दिया, जो पॉजिटिव आ रहे हैं ना उनको पाबंद कर दिया। हाँ। और जैसे ग्राम सेवक और सरपंच आके बोले कि आपकी सभी सुविधा आएगी। हाँ। हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी की, कोई कुछ भी नहीं आता, दूध की प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम है, और कोई पॉजिटिव है उसकी कोई तकलीफ नहीं, आज के दिन इस मोहल्ले में जो है उसकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पॉजिटिव होने के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता, कोई इस गली में नहीं आता है, उधर से बाहर चल जाते हैं। जैसे ये पता है कि हाँ पॉजिटिव? हाँ, नहीं, इस गली में 95 हुए ना, इधर ही हुए हैं इस मोहल्ले में। हाँ, हाँ। तो उसके बाद में कोई नहीं आया इस तरफ क्या, कोई नहीं आया? अच्छा, जो मीडिया वाले आए वही है। तो ये बताइए कि अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि खाने पीने की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या सामना करना पड़ रहा है, और कितने दिनों से आप इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं? कम से कम 10-12 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, ना सब्जी आ रही है ना कुछ, कुछ भी नहीं आ रही, जो दूध मोल ले रहे हैं उसको भी दूध नहीं मिल रहा है।
अच्छा। बोलते हैं कि इस साइड में पॉजिटिव है। अच्छा, तो इस वजह से वो डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे। ये दिक्कत है। किशोर जी, क्या मैटर है अपने गांव में, क्या होगा, कैसे चला ये सिलसिला पॉजिटिव संख्या आने का? पॉजिटिव संख्या 95 पहुंच गया था जी। कैसे? ये हमारी कोई मौत हो गई थी, इसकी मौत हो गई थी। कैसे, क्या मौत में कैसे क्या मिला, मतलब कि कितने लोग पॉजिटिव तो है नहीं जी डॉक्यूमेंट्स में जी। ये जांच करवाई परिवार वाले ने, सबने तो 95 पॉजिटिव। जांच खुद ने करवाई या प्रशासन ने? प्रशासन ने की थी। प्रशासन ने की थी, तो कितने मिले उसमें पॉजिटिव? 95 पॉजिटिव मिले। क्या कारण रहा कि प्रशासन ने जांच की? प्रशासन ने मौत की वजह से जांच की थी। आशीष, ये जो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र चालू है, हाँ जी, ये कितने दिनों से बंद पड़ा है? ये लगभग 3 साल से बंद पड़ा है। अच्छा, आज जैसे ये खुला है, हम आए हैं, तो क्या कारण आज खुलने का? फिर क्या बताओ, वो तो इनको पता ही, सफाई कर्मी आए हुए हैं, उनको पता है क्या कारण है? इसके अलावा डॉक्टर या फिर कोई नहीं बैठता यहाँ पे, कोई नहीं आता। तो आपके गांव में एक साथ 89 से 95 के लगभग कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं? कोई भी सुविधा नहीं मेडिकल से संबंधित, कुछ भी नहीं। किसी को लेनी है तो अपने तरीके से छुटकर जाओ या चढ़ा जाओ। ये बताओ कि आप सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से तो यही मांग करते हैं कि जल्द से शुरू किया जाए, जिससे गांव वालों को परेशानी ना हो।